एक बार फिर से रुबीना दिलैक ने घर छोड़ने की बात की, बिग बॉस के शो को छोड़ने की बात की वीकेंड के वार के बाद। लेकिन दोस्तों इस बार सलमान खान का कोई लेना देना नहीं है इस शो छोड़ने के ऊपर। इस बार मामला कुछ और ही है, लेकिन इस मामले में कौन फंसेगा, कौन अटकेगा वीकेंड के वार में, ये बड़ा मजा आने वाला। लेकिन हुआ क्या है आपको पूरी खबर सुनाएंगे। सबसे पहले नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, खमागिन गेम शो के रोहाल का सका है, मैं हूं करण रजानी, आप देख रहे हैं बॉलीवुड की खबरें लगातार हमारे साथ हमारे चैनल बॉलीवुड हेल्पलाइन पर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हुआ क्या था। यहाँ पर जो वो पतंग वाला टास्क था, पता है मकर संक्रांति वाला स्पेशल टास्क था जो मैंने आपको बताया, वो ढील दे ढील दे भैया इस पतंग को ढील दे, जी हाँ वो वाला जो टास्क है वो रद्द हो गया, क्योंकि सोनाली फोगाट का जो वो नेम प्लेट है, जो मांझा है, उसके जो नाम लिखा हुआ था वो किसी ने तोड़ दिया था। उसके बाद सोनाली फोगाट कहती हुई नजर आई कि तू हराम ज़्यादा है जिसने भी तोड़ा है। इसके बाद रुबीना दिलैक भड़की थी और रुबीना दिलैक को क्रॉस क्वेश्चन करते हुए पूछती है सोनाली फोगाट, तू क्यों इतना भड़क रही है, क्या तूने मेरी पतंग का जो नेम प्लेट है, जो मांझे का जो नेम प्लेट है वो तोड़ा है। तो रुबीना दिलैक कहती है हाँ मैंने तोड़ा है। इस पर सोनाली फोगाट कहती है उन्हें तो तू हरामजादी है, सीधा सीधा शब्दों में तू हरामजादी है कह देती है। उसके बाद बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, निक्की तंबोली से बात करती है रुबीना दिलैक, जहाँ पर यहाँ पर लाइव फीड में देखी जाती है कि निक्की तंबोली से वो कहती है कि इस वीकेंड के बारे में अगर मुझे सलमान भाई ने या मुझे बिग बॉस के मेकर्स ने कुछ भी अगर अनाप शनाप कहा तो मैं सीधा बिग बॉस का घर छोड़कर चली जाऊंगी, यानी कि इस शो को मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि यहाँ पर मेरी कोई गलती नहीं है, यहाँ पर सोनाली फोगाट ने हरामजादा कहा है और कहीं ना कहीं रुबीना दिलैक अपने पति का जो दोष है वो अपने ऊपर ले रही है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में लिख के, क्या सही कर रही है रुबीना दिलैक या फिर सही कर रही है सोनाली फोगाट। मैं हूँ एंकर करण रजानी फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन, टेक केयर एंड गुड बाय।